तीसरा प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष दिया है, इसका मतलब त्रिज्या आर माने हम, तो ये डी आर ओवर डी टी दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल ए माने तो हमें किस दर से चाहिए, मतलब समय के ही सापेक्ष चाहिए। आर का मान 10 है, माना वृत्त की त्रिज्या आर और वृत्त का क्षेत्रफल ए है। माना वृत्त की त्रिज्या आर तथा वृत्त का क्षेत्रफल ए है। दिया क्या है हमें? दिया हुआ है डी आर ओवर डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डी ए ओवर डी टी हमें निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। आर टी के सापेक्ष से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए ओवर डी टी बराबर पाई, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का आर टी का फलन है इसलिए 2 आर और फिर डी आर ओवर डी टी आ जाएगा। अब डी ए ओवर डी टी एट द पॉइंट आर बराबर 10 सेंटीमीटर पे लेना है। पाई आर का मान 10 रखना है, 2 और आर का मान 10, डी आर ओवर डी टी का मान 3 है। कुल मिलाकर ये 10 30 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। परिवर्तन की दर,